प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह कवि जायसी द्वारा रचित सिंगल दीप वर्णन खंड से पढ़ाएंगे। तो देखो, सिंगल दीप वर्णन खंड जिसमें जहाँ पर रानी पद्मावती ने जन्म लिया था, कहाँ पर लिया था? सिंगल दीप में। तो उस सिंगल दीप की सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है इस पद में, कि सिंगल दीप कितना सुंदर था। कवि बताते हैं कि इस संसार में केवल 7 दीप हैं और 7 दीपों में से केवल जो सिंगल दीप था, जिस पर जहाँ पर रानी पद्मावती ने जन्म लिया था, वह सिंगल दीप सबसे सुंदर और भव्य है। तो इसमें सिंगल दीप की सुंदरता का वर्णन किया गया है और ये कवि जायसी ने लिखा था। तो पहले मैं कवि जायसी के विषय में कुछ बता देता हूँ। देखो, इनका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। ये सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि थे। जैसे कि धारा, प्रेमाश्रय धारा और सूफी काव्य धारा, ये दो धाराएं थी निर्गुण भक्ति की। दो धाराएं थी, कौन सी? एक तो प्रेमाश्रय, एक सूफी काव्य। और सगुण की दो धाराएं थी, कौन कौन सी? एक कृष्ण काव्य धारा और एक राम काव्य धारा। तो इस जो सूफी काव्य धारा थी, इस सूफी काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखो, भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह ही जायसी का जीवन व्रत भी एक निर्विवादित है। अनुमान के आधार पर निर्विवादित नहीं है, क्योंकि हर कवि के, ज़्यादातर कवियों में विवादित ही रहा है उनका जन्म मरण। तो इसका भी कुछ विवादित ही रहा है, कैसे कि अभी इसका अनुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से इसकी भी जानकारी नहीं है। तो देखो, अनुमान के आधार पर इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका जन्म हुआ था। और देखो, डॉक्टर बच्चन सिंह हुए थे, उनकी एक पुस्तक थी, कौन सी? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। में इसमें क्या है कि जायसी का जन्म सन 1464 ईस्वी माना गया है। तो बच्चन की किताब कौन सी थी? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वो हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ये केवल नाम ही इसका डॉक्टर बच्चन है, बच्चन सिंह है इसका नाम। तो ये बच्चन सिंह की एक पुस्तक थी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें उन्होंने 1464 ईस्वी में इसका जन्म बताया है। ये जायस नगर के रहने वाले थे। जायसी कहाँ के थे? जायस नगर के रहने वाले थे जायसी। जायसी के गुरु का नाम क्या था? सैयद अशरफ। जायसी का गुरु कौन था? सैयद अशरफ। गुरु का नाम था सैयद अशरफ। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जायस नगर के रहने वाले थे। और जन्म कब हुआ था? 1464 ईस्वी में। तो देखो, जायसी पहले शेरशाह के आश्रम में रहते थे। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना ही है इतिहास में। तो ये शेरशाह के आश्रम में रहते थे और महाराज जगत देव के आश्रम में भी ये रहे हैं। कौन के? जगत देव के आश्रम में। शेरशाह सूरी के आश्रम में रहे, जगत देव के आश्रम में रहे। परंतु
अमेठी के राजा राम सिंह के यहाँ इनका बहुत ज़्यादा सम्मान होता था। अमेठी के राजा थे राम सिंह, उनके वहाँ पर इनका बहुत अधिक सम्मान होता था। जायसी का, जायसी की मृत्यु अमेठी में ही हुई थी। कहाँ हुई थी जायसी की मृत्यु? अमेठी में ही हुई थी, और उनकी कब्र आज भी अगर तुम देखने जाएंगे तो वह अमेठी में ही है। कुछ विद्वान इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में मानते हैं, कुछ विद्वान हैं वे इनकी मृत्यु कब मानते हैं 1542 ईस्वी में, और जन्म कब मानते हैं 1464 ईस्वी में मानते। तो शुक्ल जी ने जायसी के विषय में स्वयं लिखा था कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय में बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने गए थे। जायसी कबीर के समान, कबीर के समान अपना एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्होंने कभी नहीं किया था। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ है उसके प्रति विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे सामान्य मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। तो इसमें जायसी के विषय में शुक्ल ने बताया है कि उन्होंने कोई भी पंथ नहीं बनाया है। तो देखो, जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना गया है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत को। पद्मावत ये इसका सूफी काव्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के अन्य ग्रंथ और भी हैं वैसे, जैसे अखरावट है, आखिरी कलाम है, अखरावट आखिरी कलाम। और देखो अखरावट, अखरावट में क्या है, अखरावट में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। मतलब अखरावट के प्रत्येक अक्षर पर सिद्धांत लिखे गए हैं, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। ये दोनों ग्रंथ भी अवधि भाषा में ही रचे गए हैं। तो देखो, जो जायसी थे, जायसी का जो काव्य था वह सूफी रहस्यवाद, जिसमें रहस्यवाद पाया गया है, सूफियों का तथा ही और रहस्यवाद पाया गया है, ये अद्वैतवाद से प्रभावित थे, अद्वैतवाद से प्रभावित थे ये। तो इन्होंने पद्मावती का वर्णन किया था। अब देखते हैं कि ये जो पद है अपना, ये पद जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पद में सिंगल दीप का वर्णन किया गया है, सिंगल दीप की सुंदरता का वर्णन किया गया है इस पद के अंदर। तो देखो, अब हम इस पद का अर्थ करते हैं और उसका भावार्थ करते हैं। पहले इसको हम पढ़ते हैं, तो देखो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। सिंगल दीप कथा अब गावो, अवसो पद्मिनी बरनी सुनावो, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जेहि रूप सो तेसई देखा, धनी सो दीप जह दीपक बारी, औपद्मनी जो दई संवारी, सात दीप बर ने सब लोगु, एकौ दीप न ओहि सर जोगु, दिया दीप नहीं तन तस उजियारा, सरन दीप सर होई ना पारा, जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सर पूज न छाई, दीप गवस्थल आरण पारा, दीप महुस्थल मानुष हारा, सब संसार परथ में आए, सातों दीप एक दीप नहीं उत्तिम, सिंगल दीप समय। तो देखो बच्चों, इसमें सात दीपों का वर्णन किया गया है। ये जो पद है इसमें सात दीपों का वर्णन किया गया है और सिंगल दीप की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि सिंगल दीप कितना सुंदर भव्य है, जहाँ पर रानी पद्मावती ने जन्म लिया था। तो देखो, ये जो, वैसे मैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं
उसको मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद मैं अभी समझाता हूँ। देखो इसके अर्थ को समझाऊंगा। देखो इसमें निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, दर्पण का अर्थ होता है जो शीशा होता है वो दर्पण होता है, विशेखा की मतलब होता है विशेषता। विशेखा किसे कहते हैं? विशेषता को विशेखा कहते हैं। देखो समारी जो शब्द आया है यहाँ पर, इस पद के अनुसार समारी का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना। ये दियादीप, जम्बुदीप, ये दीपों के नाम हैं। उजियारा कहते हैं उजाला। लंकदीप, लंका दीप को कहा गया। गविस्थल दीप कहा गया। आरण, आरण जो शब्द आया है, आरण का मतलब होता है जंगल या वन। पहुस्थल दीप का नाम आया है। परत का मतलब होता है सर्वप्रथम। परत का मतलब क्या होता है? सर्वप्रथम। तो देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं, निर्मल माने स्वच्छ, दर्पण कहते हैं शीशा को, विशेखा माने विशेषता, सवारी माने जन्म लेना, आरण माने जंगल एवं, परत माने सर्वप्रथम। तो देखो बच्चों ये जो पद है, इस पद में आपको मैंने कई बार बता दिया कि सिंगल दीप की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ये प्रस्तुत अवतरण जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के सिंगल दीप वर्णन खंड से अवतरित है। इसमें कवि ने सभी दीपों से सिंगल दीप को एक बहुत ही विशिष्ट, सर्वोत्तम और सुंदर बताया है। तो इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब हम इसको पढ़ करके सुना देते हैं कि इसकी कैसी सुंदरता थी। तो इसकी सुंदरता के विषय में बताते हैं। तो देखो, सिंगल दीप कथा अब गावो, ओसो पद्मनी वर्णी सुनावो, निर्मल दर्पण बहत विशेखा, जो जे रूप सो तेसे ही देखा। देखो कवि जायसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं सिंगल दीप का, सिंगल दीप कथा अब गावो, ओसो पद्मनी वर्णी सुनावो, मैं अब सिंगल दीप का वर्णन करके और पद्मावती की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कवि कहते हैं कि अब मैं सिंगल दीप का वर्णन करते हुए और पद्मावती की कथा सुनाने जा रहा हूँ, मतलब कथा सुना रहा हूँ। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि मैं सिंगल दीप का वर्णन करता हूँ और पद्मनी नारी की कथा सुनाता हूँ या कथा सुना रहा है। कौन? कवि जायसी। कैसे? कि महाकवि के वर्णन, देखो निर्मल दर्पण भांत विशेखा, जो जे रूप सो तेसे ही देखा। कवि जायसी कहते हैं कि जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य जानते हैं ना, प्रबंध काव्य, जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य की एक विशेषता होती है, महाकाव्य की एक विशेषता होती है, जैसा होता है अर्थात जिसका जैसा रूप होता है वैसा उसमें चित्रण कर दिया जाता है। महाकाव्य की विशेषता ये होती है कि जैसा जिसका रूप होता है वैसा ही उसका उसमें चित्रण कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण में कोई भी चीज़ अगर दिखाई दे रही है तो वो स्पष्ट रूप से दर्पण में उसी प्रकार वो स्वच्छ दिखाई देगी, जैसी वो है वैसी ही दिखाई देगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो दर्पण की तरह ये स्वच्छ है। तो इस महाकाव्य को दर्पण की उपमा दी है। कैसे? कि महाकाव्य में जिसका जैसा चरित्र होता है वो वैसा ही दिखाया जाता है।
धनिसो दीप जे दीपक वारी, औपद मणि जो दही सवारी। सात दीप बर ने सब लोगो, एको दीप ना ओहि सर जोगो। तो देखो, धनिसो दीप जय दीपक वारी। कवि कहते हैं कि वह दीप धन्य है। किस दीप के लिए कहा गया है? उस सिंगल दीप के लिए कहा गया है कि वह दीप धन्य है जहां बालाएं दीपक के समान दैदीप्यमान होती है। जहां बालाएं दीपक के समान दैदीप्यमान होती हैं, जिस प्रकार दीपक प्रकाशित होता है ना, उसी प्रकार यहां भी बालाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो ये दीपक के समान दैदीप्यमान होती है यहां पर बालाएं। तथा ओ पद्मनी जो दही सवारी, और जहां पर पद्मनी जैसी नारी ने जन्म लिया है, वो दीपक कितना धन्य है। वाह, वो दीपक कितना धन्य है जहां पर बालाएं दीपक के समान दैदीप्यमान होती हैं और पद्मनी जैसी नारी ने वहां पर जन्म लिया है। सात दीप बर ने सब लोगू, एको दीप ना हो सरजोगू। देखो, कवि कहते हैं कि सब लोग आज तक सात दीपों का वर्णन करते आ रहे हैं। आपने सुने होंगे सात दीप, तो सात दीपों का वर्णन होता आ रहा है। इस संसार में सभी लोग सात दीपों का वर्णन करते आ रहे हैं, परंतु उस सिंगल दीप के समान एक भी दीप नहीं दिखाई दे रहा है। उस सिंगल दीप के समान सुंदर दीप एक भी दीप नहीं है। वो सिंगल दीप इतना सुंदर है कि सातों दीपों में वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके समान एक भी दीप सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सर होई ना पारा। और देखो, जो दिया दीप होता है उस दीप का क्या नाम है? दिया दीप। दिया दीप में भी वैसा प्रकाश नहीं है। कैसा? सिंगल दीप के समान। दिया दीप में भी वैसा प्रकाश नहीं है जैसे सिंगल दीप में है। सरन दीप सरी होई ना पारा। और जो सरन दीप है, सरन दीप उसकी समानता नहीं कर सकता है। सरन दीप उसकी समानता नहीं कर सकता है किसकी? सिंगल दीप की। जम्बू दीप कहो तसनाही, लंक दीप सर पूज ना छाए। जम्बू दीप, जम्बू दीप का नाम, इसमें एक दीप का नाम है जम्बू दीप। तो जम्बू दीप भी वैसा नहीं कहा जा सकता है जैसा सिंगल दीप है। और लंका दीप, तो लंक दीप सर पूज ना छाए, लंका दीप तो उसकी परछाई मात्र भी नहीं है। लंका दीप उसकी परछाई मात्री नहीं है। दीप गवस्थल आरन पारा, दीप महुस्थल मानस हारा। और जो गवस्थल दीप है, गवस्थल दीप वनों से भरा हुआ है। गवस्थल दीप वनों से भरा हुआ है। और दीप महुस्थल मानस हारा, और जो महुस्थल दीप है वह मनुष्य को हरने वाला है। कौन सा? वह मनुष्य को हरने वाला है। वह मनुष्य महुस्थल दीप है, वो निर्जन है। तो देखो, सब संसार परथ में आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तम सिंगल दीप समय। कवि कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस संसार में सर्वप्रथम सात दीप सामने आए थे। सात दीपों के नाम सामने आए थे, परंतु एक भी दीप उस सिंगल दीप के समान उत्तम और सुंदर नहीं है।
उस सिंगल दीप के समान उत्तम और सुंदर नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें सिंगल दीप का वर्णन किया गया है, इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसकी भव्यता का वर्णन किया गया है कि सिंगल दीप इतना सुंदर है कि उसके समान कोई भी दीप धरती पर नहीं है। देखो बच्चों, ये पद्मिनी शब्द आया है, पद्मिनी। पद्मिनी कहते हैं पद्मावती को। आपने पद्मावती रानी का नाम सुना है ना, तो ये पद्मावती नाम कैसे पड़ा था? देखो, जिस नारी के शरीर से पद्म की सुगंध निकलती रहती है उसे पद्मावती या पद्मिनी जाति की नारी कहा जाता है। जिसके शरीर से पद्मों की सुगंध निकलती है उसको क्या कहा गया है? उसको पद्मिनी जाति की नारी कहा जाता है। और देखो एक बात बता देता हूँ, पुराण होते हैं, पुराणों में सात दीपों का नाम आया है। सात दीप कौन से? देखो, जम्बुदीप, शाकदीप, सालम्लदीप, कुशदीप, क्रौंचदीप, गौदीप, मेदकदीप, पुष्करदीप, ये सात दीप। उसमें नाम अलग तरीका से, वैसे आजकल ये नाम रख दिए, ये नाम है उनके। तो देखो, जायसी ने सात दीपों के नाम पुराणों के अनुसार नहीं बताए, उन्होंने बताए लोक कथाओं के आधार पर। ये जो नाम है ये लोक कथाओं के आधार पर हैं और वो पुराणों के नाम हैं, मैंने अभी बताया। तो देखो, इसमें उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और चौपाई और दोहा शैली में ये पद रचित है। तो देखो बच्चों, ये पद आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।